विक्रम और बेताल की कहानी का सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब हमें तो पता ही है कि बेताल अपने पेड़ पर उल्टा लटका था और विक्रम फिर जाता है, बेताल की रस्सी काटता है और बेताल को अपने पीठ पर बिठाकर रास्ते में चलना शुरू करता है। जैसे ही वो रास्ते में आगे बढ़ता है, बेताल कहता है, विक्रम मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। बेताल ने कहा कि चंपापुर नाम के एक नगर में चंपवेश्वर नाम का एक राजा राज करता था और उस राजा की तीव्र सुंदरी लड़की थी जो उस राज्य की राजकुमारी भी थी। वो राजकुमारी बहुत ही समझदार, सुंदर और हर एक गुण वाली थी। उस राजकुमारी को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ तीर चलाना, घुड़सवारी करना, तलवार चलाना सब कुछ आता था। अब वो राजकुमारी बड़ी होती गई और अब उस राजकुमारी की शादी की उम्र हो गई। जैसे ही राजकुमारी की शादी की उम्र हुई तो राजा को और रानी को बहुत चिंता होने लगी और वो उस राजकुमारी के लिए सर्वोत्तम वर ढूंढने लगे। अब वो हर जगह से फरमान तो ले रहे थे जो राजकुमारी से शादी करना चाहते थे, लेकिन राजकुमारी को कोई भी वर पसंद ही नहीं आ रहा था। तो राजा ने राजकुमारी से पूछा कि बेटी अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक स्वयंवर करवा देता हूँ, लेकिन राजकुमारी ने इस चीज के लिए मना कर दिया। अब राजकुमार के फरमान आने के बावजूद भी राजकुमारी के लिए कोई वर मिल ही नहीं रहा था। राजा को चिंता तो हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद राजा ने कहा कि मैं अपनी बेटी के लिए एक ऐसा वर ढूंढ रहा हूँ जो सर्वोत्तम हो, जिसे हर चीज का ज्ञान हो, जो लड़ाई में सबसे सर्वोत्तम हो, जिसे बहुत ही अच्छा घर चलाना आता हो और वो बहुत ही अच्छा इंसान होना चाहिए। राजा का ये फरमान जैसे ही जारी हुआ तो बहुत सारे और देशों के राजकुमार भी अपने अपने चित्र बनवाकर राजमहल भिजवाने लग गए, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी राजकुमारी के लिए वर मिला ही नहीं। काफी दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन राजमहल राजा से मिलने चार राजकुमार आए। चारों के चारों राजकुमार रूप और सुंदरता दोनों में ही एक से बढ़कर एक थे। राजकुमारों की एक इच्छा थी, वो चारों के चारों राजकुमार उस राजकुमारी से ब्याह करना चाहते थे। राजा ने कहा कि मुझे कोई कारण तो दो कि मैं अपनी राजकुमारी का ब्याह तुमसे कर दूं। तो सबने अपनी अपनी खासियत बताई। एक राजकुमार ने कहा कि राजा जी मैं 5 लाख रुपए कमाता हूँ, उस 5 लाख रुपए से मैं 1 लाख रुपए गरीबों में बांट देता हूँ, 1 लाख रुपए अपने ऊपर खर्च कर देता हूँ, 1 लाख रुपए मैं स्त्री के लिए रखता हूँ और बाकी के 1 लाख रुपए मैं बचत के लिए रख देता हूँ। ये मेरे एक कपड़े की कमाई है और इस कमाई का जो राज है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है। बात तो थी काफी बहुत ही दिलचस्प और आश्चर्यचकित कर देने वाली। राजा बहुत इम्प्रेस हुआ। अब दूसरे राजकुमार ने कहा कि राजा जी मेरे अंदर जो खास बात है वो किसी के अंदर नहीं हो सकती, मैं जानवरों की भाषा बोल सकता हूँ, मैं किसी भी जानवर से बात कर सकता हूँ और मैं यही भाषा राजकुमारी को भी सिखा सकता हूँ। उसने 4-5 जानवरों की, हाथी, बिल्ली, शेर और चूहा, इन सारे जानवरों की आवाजें और बातचीत उसने राजा के सामने करके दिखा दी। राजा बहुत इम्प्रेस हुआ। तीसरे राजकुमार ने कहा कि राजा जी मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, जितना ज्ञान मेरे अंदर है उतना इस दुनिया में किसी के अंदर भी नहीं, मेरे ज्ञान के आगे सब कुछ फीका है और मैं यही ज्ञान राजकुमारी के साथ बांट सकता हूँ जब हम
और राजकुमारी की शादी हो जाएगी। राजा को उसकी बात सही लगी और समझ भी आ गई। चौथे राजकुमार ने कहा कि राजा जी, मैं मुझे शब्द बेदी बाण विद्या आती है और मैं अपने बाणों से राजकुमारी की रक्षा किसी भी कीमत पर कर सकता हूँ और मैं यही विद्या राजकुमारी को भी सिखा सकता हूँ। राजा को इसकी बात भी समझ आ गई और पसंद भी आई। अब राजा को तो चारों के चारों बहुत ही समझदार और सर्वगुण संपन्न वाले लगे। लेकिन राजा ने अपनी पुत्री से पूछा, राजकुमारी से पूछा कि राजकुमारी तुम बताओ, अगर तुम्हें इनमें से कोई एक लड़का पसंद है तो वो कौन सा लड़का है? राजकुमारी ने कुछ भी नहीं कहा, वो चुप की चुप रहे। अब बेताल ने विक्रम से पूछा कि विक्रम तुम बताओ कि राजकुमारी के लिए इन चारों वरों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ वर कौन है? विक्रम ने कहा कि इसमें इतना सोचने वाली कोई बात नहीं है, सबसे सर्वोत्तम वर तो वही है जो राजकुमारी को शब्द बेदी बाण विद्या सिखा सकता है और राजकुमारी की रक्षा भी कर सकता है, क्योंकि यही एक विद्या है जो हर किसी के सीखने की बात नहीं और हर कोई इसे सीख भी नहीं सकता। जैसे ही विक्रम ने अपने मुंह से ये शब्द खोले, बेताल उसकी पीठ से उड़ा और अपने पेट पर जाकर उल्टा लटक गया। अब आप मुझे बताओ कि विक्रम ने जो ये जवाब दिया, क्या आपको लगता है कि राजकुमारी के लिए सर्वश्रेष्ठ वर वही इंसान है जिसको शब्द बेदी बाण विद्या आती हो, या उन तीनों वरों में से कोई और? आपको जो भी लगता है वो आंसर जरूर सही ही होगा, क्योंकि आपका अपना एक कारण है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज इस कहानी को लाइक करो, और अगर आप और ऐसी कहानियां सुनना चाहते हो तो प्लीज लोकसम के चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड आप चाहते हो कि आप बहुत सारी हैप्पीनेस बांटो, बहुत सारी खुशियां बांटो, तो अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करो। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।